प्राचीन गीजा का महान पिरामिड मानव जाति को पिछले कई सदियों से हैरत में डालता आया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पिरामिड को बनाने में 20,000 मजदूर शामिल थे, जिन्होंने लगातार 20 साल तक केवल लकड़ियों से बने उपकरण और रस्सियों की सहायता से इस विशाल ढांचे को तैयार किया, जो कि सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि इतने बड़े ढांचे में लगे कई टन वजनी पत्थर को केवल लकड़ी और रस्सियों की सहायता से एक से दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन सी बात है। आज वैज्ञानिक इतने सालों के अध्ययन के बाद भी नहीं जान पाए हैं कि आखिर इन विशाल पिरामिड का निर्माण किस तरह किया गया था। यह पिरामिड केवल दुनिया का अजूबा ही नहीं है, बल्कि ये हमें उस दौर की ऐसी तकनीक के बारे में बताता है जो आज के समय के लिए पहेली बनी हुई है और जिसे समझने के लिए इंसान को शायद कई सौ साल और लग जाएंगे। आज का ये वीडियो इन्हीं तथ्यों पर आधारित है जो साबित करता है कि इन पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल हुए तकनीक आज के दौर से भी कई ज्यादा उन्नत थी। बनाने वाले वस्तुओं का वजन ईसा पूर्व की इस तकनीक को संदेह की नजर से देखने की सबसे बड़ी वजह यही है कि पिरामिड्स के निर्माण में लगाई गई भारी भरकम पत्थर, जिनका आकार और वजन इतना ज्यादा है कि कोई भी सोच में पड़ सकता है कि इनको उठाकर सही जगह लगाने का काम आखिर कैसे हुआ होगा। लगभग 23 लाख पत्थरों से बनकर तैयार हुए पिरामिड के हर पत्थर का वजन 3 से 15 टन है, तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े भारी पत्थर एक से दूसरी जगह कैसे लाए गए और इन्हें किस चीज के द्वारा उठाया जाता था। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि विशालकाय पत्थरों को लकड़ियों से बने उपकरण द्वारा ढकेलकर अपनी जगह पर रख दिया जाता था। यह बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि 23 लाख पत्थरों को 20 साल की अवधि में धकेल कर लगाना, जहां एक पत्थर को लगाने के लिए केवल 2.5 मिनट का समय उपलब्ध हो, ऐसा होना नामुमकिन सी बात है। खैर, उस दौर में कोई तो ऐसी तकनीक थी जिसकी वजह से यह अजूबा तैयार हो पाया, और तकनीक अभी तक मानव के कयासों से बहुत परे है। तारों से मिलती दिशाएं। पिरामिड की अनसुलझी तकनीक का अगला पड़ाव है उत्तरी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल से इसकी सिधाई और सटीकता का। इन विशाल काय निर्माण की दिशा इतनी सटीक है कि यह पिरामिड उत्तर की दिशा से केवल 0.15 डिग्री मामूली अंतर से तिरछे हैं, और इस बात का जवाब आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि उस वक्त के लोग उत्तरी तारे यानी नॉर्थ स्टार के बारे में जानते ही नहीं थे, तो वे इस दिशा में इतना सटीक ढांचा कैसे तैयार कर सकते हैं। तो क्या दिशा समझने के लिए उनके पास कोई और तकनीक थी? कुछ वैज्ञानिकों ने इस सवाल को आधार बनाकर यह बात बोली है कि ईसा पूर्व के यह लोग जरूर किसी ऐसी विधि का प्रयोग करते थे जो बेहद जटिल तो थी ही, साथ ही आज के दौर से परे भी थी, और इनका इस्तेमाल केवल वही कर सकता है जिसकी सोचने की क्षमता अद्भुत हो, क्योंकि उत्तरी तारे से दिशा तय करने के बाद भी आज के दौर के अद्भुत निर्माण उतने दिशा अनुसार नहीं खड़े हो पाते जितने कि यह पिरामिड है। कुछ तो इस प्राचीन तकनीक के पीछे छिपा है जो हम इंसानों से छूट रहा है। भारी भरकम दरवाजे 20 टन यानी लगभग 18,000 किलो। किसी दौर में इतने भारी दरवाजे पिरामिड में प्रवेश करने के लिए बनाए जाते थे। शायद ये वजन किसी को हैरान ना करे, लेकिन यह बात किसी को भी आश्चर्य में डाल सकता है कि ये दरवाजा इस प्रकार लगाई जाती थी कि कोई भी इन्हें अपनी एक हाथ से बड़ी आसानी से खोल सकता था। हमारी और आपकी तरह शोधकर्ता भी इस बात से हैरान है कि आखिर कैसे ये लोग इतने भारी दरवाजों का निर्माण करते थे। इसके अलावा कई और अहम सवाल इन भारी भरकम दरवाजों के पीछे से आते हैं कि यह किस प्रकार यह दरवाजे दीवारों में इतने सटीक ढंग से जड़े गए। इस तकनीक का रहस्य आज भी बना हुआ है कि जब उस दौर में ऐसी कोई उपकरण मौजूद ही नहीं थी, तो फिर किस प्रकार यह लोग इतने भारी भरकम चीजें तैयार कर देते थे। खैर, तकनीक जो भी रही हो, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इजिप्ट की यह सभ्यता निर्माण कार्य में
आज के दौर से कई ज्यादा प्रगतिशील थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। गुड बाय, कीप वॉचिंग।